पहले आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन खोलना है, उसके बाद आपको इसमें वाइट कलर लेना है। इसमें आपको एक शेप लेनी है, उसमें आपको कलर पे जाके ग्रेडियंट लेना है। इसमें आप ग्रेडियंट दे दो जो आपका कलर हो लोगो का। कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको इसका साइज़ फुल करना है। अब इसमें आपको एक शील्ड ऐड करनी है। शील्ड अगर आप पे नहीं है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको ये वाली शील्ड दे दूँगा। इसको आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। फिर आपको अब एक लोगो लेना है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो। इन दोनों को सेट करने के बाद आपको इनको लॉक कर देना है लेयर पे जाके। अब आपको इसमें टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट में आप लिख सकते हो अपना जो भी आपका नाम है, जैसे मैंने इधर पांडा लिखा है। फिर आपको इसमें फॉन्ट ऐड करना है, उसके बाद आपको इसकी जो आउटलाइन है वो बनानी है। आउटलाइन में आप इसको कलर ब्लैक कलर दे दो और इसकी जो विड्थ है वो आप 30 पे सेट कर दो। अब आप इसका साइज़ जो है वो अपने हिसाब से सेट कर लो सही से बिल्कुल। इसको थोड़ा सही से एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम इसमें कलर सेलेक्ट करेंगे। कलर में आपको थोड़ा ग्रेडियंट सा देना है, जैसे फायर का कलर होता है वैसा। इतना करने के बाद आपको इसमें ऐड करना है एक और टेक्स्ट, उसमें आप गेमिंग लिख सकते हो। फिर आपको इसको भी सेट करना है सही से। और याद रखना जो आपका मेन वाला फॉन्ट है उससे इसका साइज़ थोड़ा छोटा रहना चाहिए। पर उससे पहले हम इसमें फॉन्ट ऐड करेंगे। इस काम को थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेना है अपने हिसाब से। अब हमें इसकी आउटलाइन बनानी है और आउटलाइन की विड्थ हम सेम रखेंगे 30। अब आपको इसमें थोड़ा सा येलो कलर ऐड करना है अपने लोगों के हिसाब से। अब इसको आपको सेव कर लेना है और इसका डायमेंशन को आपको अल्ट्रा पे करना है। सेव करने के बाद आपको इसको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में खोलना है, उसके बाद आपको स्टिकर पे जाके लिखना है फायर इफेक्ट्स। यहाँ आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फायर इफेक्ट मिल जाएंगे, कोई भी आपको सेलेक्ट करना है और उसका साइज़ बड़ा कर लेना है। फिर आपको ब्लेंड ऑप्शन पे जाना है और इसमें आपको जो सही लगे उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे इधर ओवरले सही लग रहा है तो मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ। इसको थोड़ा और एडजस्ट कर देता हूँ अपने हिसाब से। फिर आपको दोबारा स्टिकर पे जाना है और दोबारा फायर इफेक्ट लिख के इसमें से आपको थोड़ा ये वाला एम्बर टाइप का लेना है और इसे भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है।
अब आप देख सकते हो हमारा जो लोगो है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। दोबारा आपको स्टिकर पे जाना है और आपको थोड़ी ब्लैक लाइन्स ही लेनी है, मेरे पास पहले से ही रिसेंट में पड़ी है। इसको आपको थोड़ा नीचे लगाना है, इसमें थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना है। तो गाइस जो हमारा लोगो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने आपको सिखा दिया कि आप कैसे अपना एक लोगो बना सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।